तो पंडित जी बताइए कौन से दिन का मुहूर्त निकल रहा है? 15 तारीख का मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। 15th February। ओह माय मदर, पर बेनबा इतने जल्दी कैसे? मेरा मतलब है अभी तो थर्ड शादी कैंसिल हुई है मिस्टी की, और इतने जल्दी कैसे हम अपने अबीर की उसके साथ शादी करा दे? So fast, fast, बेनबा। अरे why not मामी? बल्कि मैं तो कहता हूँ 15th February तो बेस्ट डेट है। 15th February। माँ। बेनबा, आपका बेटा आपसे कुछ कह रहा है। कहो कुना। नहीं माँ, वो एक्चुअली मैं कह रहा था कि 15 फरवरी का मुहूर्त काफी अच्छा है। Really? मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी शादी में जितनी देर होनी थी मेरी वजह से हो चुकी है। अब मैं मेरी वजह से कोई देर नहीं करना चाहती। तो मैं उन्हें कॉल कर दूँ? Yes. कुहू, चलो ना, तुम्हारे घर वालों को कॉल करना है। तो खुश है ना अबीर? भाई जितना एंजॉय करना है कर लो, 15 फेब से आपका सारा फ्रीडम खत्म। हाँ हाँ, वही वही, एंजॉय के माउंटेन पे अब तक भी ये चढ़ गया होगा, क्योंकि इसने जो मांगा वो तो इसे मिल गया, है ना अबीर? लेकिन अब मैं मांगूंगा ये शादी सबसे अलग होनी चाहिए। बापूजी, वो तो होगी ना, हमारे कुहू टीचर है तो वो करेगी। अरे वो तो करेगी ही, लेकिन इस बार मैं कुहू की कूलनेस को और भी चैलेंज करूंगा। कोई भी फंक्शन नॉर्मल शादी वाला नहीं होगा। अरे आखिर अबीर और मिस्टी की शादी है, जो होगा अलग होगा। अबीर, बापूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे अबीर और मिस्टी की शादी बिल्कुल अलग तरीके से होगी, हटके। केमनी थी? हाँ बेनबा, ये सब तो ठीक है। ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं कौन सा इनके बिना रह पाऊंगा। लेकिन मिष्टी और माँ, देशों को आग से दूर रखा जाता है मिष्टी, आग में झोंका नहीं जाता। I'm sorry जस्मीत आंटी, मैं जानती हूँ आपको रोजेस बहुत पसंद है, आपको चाहिए तो मुझे फेंक देना, लेकिन इन्हें मत फेंकना। जस्मीत, ये सब जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ। क्या तू चाहती थी कि मिष्टी की शादी नन्नू से हो जाए, जबकि वो उससे प्यार भी नहीं करती? सच कहूँ भाभी, तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि नन्नू की शादी मिष्टी के साथ। शादी मिष्टी के साथ? मैंने तो नन्नू से भी यही कहा था कि वो ये रिश्ता तोड़ दे, लेकिन देखो क्या हुआ, मिष्टी ने ये रिश्ता तोड़ दिया। और मैं जानती हूँ कि इस घर में कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। भाभी, ताया ताई जी अक्षरा दीदी को खो चुके थे, लेकिन मिष्टी को इस घर में लाकर उन्हें तो बेटी मिल गई, लेकिन हमें क्या मिला? जस्मीत, हमें अपने ही घर में एक पराई लड़की के साथ रहना पड़ा। कोई भी बात करने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचना पड़ता कि उसे क्या लगेगा। एक एक कदम सोच सोच कर उठाना पड़ता था कि कहीं उसे ठोकर ना लग जाए। इतने सालों बाद, इतना कुछ करने के बाद उस लड़की ने क्या किया? भाभी, नन्नू से रिश्ता तोड़कर उसने इस घर में दरार डाल दी। आप शायद भूल रही हैं कि मुंह बोली कुहू की जेठानी बनने जा रही है। अच्छा भाभी, सोचिए कि कुहू का क्या होगा अब। जस्मीत, कोई ना कोई तो कुहू की जेठानी बन के आती ही ना। लेकिन ये कोई और नहीं, मुंह बोली है, मिष्टी है ये। भाभी, मिष्टी जिस घर में भी जाती उस घर को तोड़ देती। भाभी, अब मेरी नहीं, आप कुहू की चिंता कीजिए, कुहू की चिंता कीजिए। कन्फेशन टाइम काना जी, हम पर डाउट करने वाले बहुत हैं, हमारे प्यार पर किसी को भरोसा नहीं है। कभी कभी तो मुझे भी डाउट होने लगता है, हम इतना गलत कर रहे हैं? लेकिन अगर अबीर और मैं इतने ही गलत हैं, तो अबीर के साथ सब कुछ सही क्यों लगता है?
ऐसे क्यों लगता है जैसे जो सही नहीं भी है उसे हम दोनों मिलके ठीक कर लेंगे। मिश्री अरे वाह बहुत प्यारी लग रही है। क्या हुआ बड़ी माँ? हाँ तेरे लिए एक मैसेज लाई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि दूं कि नहीं दूं। मतलब? नन्नू मेरे पास तेरे लिए कुछ छोड़ गया है। उसने एयरपोर्ट से तेरे लिए एक लेटर भिजवाया और कहा कि तुझे दे दूं। दीजिए ना बड़ी माँ प्लीज। बेटा हमें जल्दी ही निकलना है इसलिए देर मत करना। हाँ जी बड़ी माँ। क्या दो बहनों की शादी एक घर में नहीं होनी चाहिए? तुझसे कुहू ने कुछ कहा क्या? नहीं बड़ी माँ लोग कहते ना कि दो बहनों की शादी एक घर में नहीं होनी चाहिए। अगर सच में ऐसा हो तो बहुत बुरा होता है क्या? What's up, bro? Nothing, bro. Same old. Nothing? आज तेरी शादी की तारीख पक्की हो रही है और तू कह रहा है नथिंग? वही तो समझ नहीं आ रहा है ये हो कैसे रहा है? हो रहा है अभी क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। आज का दिन आया है क्योंकि तूने कल अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में ली है। ब्रो मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते की वजह से मिष्टी और उसकी फैमिली को फिर स्ट्रेस हो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी मीनू मान गई है। उलझन है नानू समझ नहीं आ रहा क्या करूं। किस बारे में? बिग बेन ने इस रिश्ते के लिए तो हाँ कह दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में मिस्टी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है लेकिन अब मीनू के पास और कोई चॉइस नहीं है। अभी अगर वो मिस्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तुझे खो देगी। मीनू तुझसे बहुत प्यार करती है इसीलिए तो शादी के लिए वो तैयार हुई है। या तो मैं मीनू पर भरोसा कर सकता हूँ या अपनी परवरिश पर शक। मैं भरोसा करना चाहता हूँ। और उनका क्या जो मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी को इस घर में भेज रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नानू क्या करूँ मैं। अबीर अपना भरोसा जीतने का मुझे एक मौका दो। मैं जानती हूँ बेटा आज तक तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हुआ है मेरी वजह से हुआ है तो बेटा प्लीज एक मौका तो मुझे दो अपनी गलती सुधारने का। और आप वो कैसे करेंगी माँ क्या करेंगी आप? मैं ये कैसे मान लूँ कि अब आप मिष्टी से नफरत नहीं करती? हाँ अमीर मैं मिष्टी को नहीं पसंद करती थी लेकिन मेरा बेटा अमीर मिष्टी से प्यार करता है और मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ। कल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो सकती थी। एक माँ के लिए अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देना इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। कौन सा सच? अपने परिवार के सामने शराब पीने का नाटक ये निशांत का नहीं मेरा आइडिया था। मेरा आइडिया क्या? हाँ बापूजी वो आइडिया मैंने निशांत को दिया था ये सच मैं स्वीकार करती हूँ। पर जानते हो क्यों मिष्टी को तुमसे छीनने की अबीर वो मेरी आखिरी कोशिश थी। बेटा तेरी मुश्किल का हल किसी किताब में नहीं है क्योंकि हर रिश्ता अपने साथ अपनी परेशानियां लेकर आता है। तेरी परेशानी ये है कि तेरी शादी एक ऐसे घर में होने वाली है जहां कुहू से सब प्यार करते हैं और तुझसे बस कुछ ही लोग। तेरी माँ हूं तो मुझे भी ये बात परेशान करती है कि बेटा मुझे पूरा विश्वास है मेरी परवरिश तुझे इस परेशानी का हल ढूंढने में मदद करेगी। और देखो बेटा रिश्ते उतने ही उलझते हैं जितना हम उन्हें उलझाते हैं। अब
जैसे नन्नू के साथ तेरा रिश्ता दोस्ती का था, सीधा सरल बहुत मजबूत, लेकिन उस रिश्ते में शादी की बात करके हमने उसे उलझा दिया। तो अपने रिश्तों को ना उलझाना, उन्हें सिंपल रखना हमारे हाथ में होता है। बेटा सीधी और सिंपल बात ये है कि मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे जरा भी एहसास हुआ कि मेरे बेटों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर जाती हूँ। माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मतलब अगर मिष्टी के घर वालों को ये बात पता चलेगी तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। मिष्टी और मेरा रिश्ता ऑलरेडी इतने नाजुक मोड़ पे, और उसके बाद आप मुझे ये सब। अभी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती हूँ। अभी इसीलिए मैंने तुम्हें निशांत का भी सच बता दिया। मैं मिष्टी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी, माँ अंबे की सौगंध, और ना ही किसी को मिष्टी के साथ कुछ गलत करने दूंगी। अबीर प्लीज मुझे एक मौका दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।